जयशंकर जी, जय श्री राम सीताराम। शास्त्र वर्णित करता है कि व्यक्ति चाहे तो चारों धामों को अपने घर बुला सकता है। कैसे बुलाओगे तो सुन लीजिए। तो कहा गया है कि जिनकी घर में भोर में रोजाना ठाकुर जी को, भगवान को, देवताओं को स्नान कराया जाता है, उस समय आपका घर बद्रीनाथ बन जाता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण देवता बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। तो जब आप देवताओं को स्नान कराते हो तो उस समय आपका घर बन जाता है बद्रीनाथ। उसके तत्पश्चात जब आप देवताओं को चंदन लगाते हो, रोली लगाते हो, उनका श्रृंगार करते हो, तो उस समय आपका घर बन जाता है द्वारिकानाथ, क्योंकि सभी देवताओं का श्रृंगार द्वारिकानाथ में होता है। फिर जिस समय आप अपने घर में भगवान का भोग लगाते हो, क्योंकि 24 घंटे में एक बार अन्न का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए, वो भी बिना लहसुन प्याज वाला भोजन बनाकर भगवान को लगाना चाहिए, क्योंकि दोपहर के भोग का समय 11:15 से लेकर 1:40 तक का बहुत अद्भुत समय होता है भगवान के भोग के लिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि इस समय भगवान और पितृ दोनों गृहस्थी के घर की किवाड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जिनके घर में भगवान का भोग लगता है, उनके घर में तीन चीज़ें चलकर आती हैं। एक का नाम है सत्य, एक का नाम है समर्पण और एक का नाम है शांति। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग, एक का नाम है भक्ति। अब आपको इसका प्रमाण देते हैं। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं, कहा, गुरुदेव हम कहाँ रहें? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, मैं तुम्हें पूछता हूँ तुम कहाँ नहीं हो? राम जी ने कहा, मैं तो सर्वत्र हूँ, लेकिन मेरे साथ वैराग और भक्ति ये दोनों भी हैं, तो इनके संग में कहाँ रहूं? तो महर्षि ने 14 स्थान बताए। उनमें एक भगवान का भोग लगाने का भी स्थान है। उन 24 स्थान में एक स्थान ये भी है कि 24 घंटे में एक बार इस समय भगवान का भोग अवश्य लगाएं, और साथ में रामायण की एक चौपाई याद कर लो। कोई मंत्र नहीं आता हो भोग लगाने का तो थाली भोग की भगवान के सामने रखिए और फिर रामायण की ये चौपाई बोलिए, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। एक बात और सुन लीजिए, यदि आपके मंदिर में 25 भगवान हैं तो 25 थाली भोग की नहीं रखनी, एक ही थाली भोग की रखेंगी तो भी 25 लाख देवताओं को भोग लग जाएगा। हर हर महादेव।